हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो प्रॉब्लम है मेरे लैपटॉप पर अचानक से आ गई है, और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो कब आना शुरू होती हैं, और आपका लैपटॉप फिर बार बार या तो फिर उसमें कुछ काम नहीं करते हैं, जैसे कि आपने लैपटॉप की जो ब्राइटनेस है उसे बढ़ाना कम करना है, फिर कीबोर्ड काम नहीं करता, या फिर आपकी विंडो बार बार अपडेट मांगने लगती है। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो लगातार आती ही रहती हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि हमारी विंडो ही यहाँ पर क्रेक होने लगती है। ठीक है, तो जो हमारा कुछ पर्सनल डाटा होता है अपने होम स्क्रीन पर छोड़ देते हैं, वो सारा का सारा डिलीट हो जाता है जब हम यानी कि नए सिरे से एक विंडो यहाँ पर दोबारा चढ़वाते हैं अपने लैपटॉप में। ठीक है, तो इससे बचने के लिए आखिर क्या तरीका है, जैसे कि इस तरीके से आ रहा है, तो आपको सिर्फ एंटर बटन यहाँ पर प्रेस करना है, उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ देर इसी तरीके से चलने देना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये 100% यहाँ पर हो जाएगा, तब यहाँ पर एक दूसरा स्टेप आएगा, फिर उसमें भी आपको यहाँ पर 100% करना होता है, और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है वो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखें, और मैं इस वीडियो को बिल्कुल कट नहीं कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अगर आपका और मेरा लैपटॉप बिल्कुल सेम है तो सेम टाइम पर ही जो आपकी प्रॉब्लम है बिल्कुल वीडियो में देखते ही देखते आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो हम चलिए यहाँ पर थोड़ी सी देर इंतज़ार करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सी ड्राइव पे स्टोरेज है, ठीक है, वहाँ पर लेकर जो कुछ फाइल्स होती हैं जो डिलीट होती रहती हैं, जो एरर बन जाते हैं, तब इस तरीके की जो विंडो है वो यहाँ पर प्रॉब्लम यानी कि जब हमें प्रॉब्लम आने लगती है, और इस तरीके की जो प्रॉब्लम है विंडो तब करती है। ठीक है, जैसे कि स्कैन हो रहा है और हमारा लैपटॉप यहाँ पर रिपेयर हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बार बार जो विंडो के अपडेट होते हैं वो तो यहाँ पर रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। इसी के साथ में जो आपके लैपटॉप है और पीसी है, जो उसका हार्डवेयर है, वो यहाँ पर कमज़ोर भी पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर रखे हैं जो कि काफ़ी समय से अपडेट ही नहीं हुए हैं, ठीक है, तब भी आपका यहाँ पर लैपटॉप इस तरीके की प्रॉब्लम यानी कि दिखा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी चीज़ अपने लैपटॉप में ना रखें। ठीक है, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर। इसी के साथ में अपनी सी ड्राइव को अधिक से अधिक आप यहाँ पर खाली रखने की कोशिश करें। सी ड्राइव को हम किस तरीके से अधिक खाली रख सकते हैं, जैसे कि अपने जो डेस्कटॉप मोड पर आप यानी कि अपने लैपटॉप के होम स्क्रीन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे कि डाटा के लिए लगा देते हैं, जैसे कि वीडियोस हैं, फोल्डर्स हैं, तो यहाँ पर आप कम लगाइएगा ताकि जो आपकी सी ड्राइव है वो कम भरे और आपका लैपटॉप है वो अच्छी तरीके से काम कर सके। जब भी आप लैपटॉप ओपन करें तो कम से कम 1-2-3 मिनट तक ऐसे ही रहने दें ताकि जो लैपटॉप के सारे कमांड्स हैं वो पूरी तरीके से काम करने लगें, और जब भी आप लैपटॉप चलाएं तो सबसे पहले आप उसे रिफ्रेश करें, तभी आप लैपटॉप को चलाएं। ठीक है, और इसी के साथ में आप जब भी बंद करें तो अच्छी तरीके से बंद करें ताकि ये नहीं, और इसी के साथ में कुछ लोग होते हैं जो अलग से शॉर्टकट क्रेडिट कर लेते हैं लैपटॉप को बंद करने को लेकर, ठीक है, कमांड्स देकर। ठीक है, तो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी और मैंने इस पर वीडियो बनाई भी हैं, काफ़ी लोगों ने मेरे पास कमेंट किए थे तब मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। तो अगर आप उस कमांड्स को देखकर यहाँ पर शॉर्टकट बना लेते हैं तो ये है, तब भी आपको यहाँ पर इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ज़्यादा ही अगर आप उसमें अपना खुद से यहाँ पर कमांड्स देंगे, या फिर आपका लैपटॉप है वो हल्का है यानी कि रैम कम है, ठीक है, या फिर आपके लैपटॉप पीसी की जो हार्डवेयर है वो यहाँ पर कमज़ोर है, ठीक है, तब इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर वेट कर लेते हैं।
अब हमारी जो विंडो है यहाँ पर रिपेयर हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आपका जो विंडो यानी कि लैपटॉप है या फिर पीसी है तो वो यहाँ पर बंद मत कीजिएगा। यहाँ पर बोल लिया है डोंट रू ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि अभी आप अपने लैपटॉप पीसी को यहाँ पर बंद मत कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमारा लैपटॉप यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर एंटर का बटन दबाता हूँ और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करके मैं पासवर्ड डालकर यहाँ पर एंटर कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं हमारा लैपटॉप यहाँ पर ओपन हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ी सी देर हम यहाँ पर इंतज़ार कर लेते हैं।
और उसके बाद में जो हमारा लैपटॉप है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से वीडियो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।